हेलो फ्रेंड्स, ये है यामा का पी कार्बन क्लीनर। ये अपन इसको बाइक के फ्यूल सिस्टम को क्लीन करने और उसकी पावर रिस्टोर करने के लिए यूज़ बताया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इसको मैंने एक्चुअली पहले ओपन कर लिया था, थोड़ा इसको खोल के चेक करा था मैंने। तो ये उन बाइक्स में यूज़ करना चाहिए जो गाड़ी रनिंग कम होती है और ज़्यादा टाइम चलती कम है। तो ये जैसे मेरी बाइक है, अभी इसमें थोड़ी मिसिंग प्रॉब्लम थी, तो मैं ये भी इसको यूज़ करके चेक कर रहा हूँ कि इससे यदि कोई इफेक्ट आता है। मैंने एक बार कार्बन क्लीन कर लिया है विदाउट स्प्रे, तो उससे 30% सही हुई है। अभी मैं इसको यूज़ करके चेक कर रहा हूँ, जो आप देख सकते हो मेरी वीडियोज़ लिस्ट में, उसके अंदर जो मिसिंग प्रॉब्लम है TVS अपाची का है वीडियो, आप देखना। तो ये वाला जो ट्रीटमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे क्या जो कार्बोरेटर में कार्बन है या फिर एक्चुअली टैंक जो भी, यहाँ भी कार्बन जमा हुआ डिपॉजिट है, क्लीन होएगा। तो मैंने यामा का लिया है। यामा का थोड़ा अच्छा क्वालिटी अच्छी आती है इसमें, 163 प्राइस में है ये कंपनी, मिल जाएगा, आप जा सकते हो, ले सकते हो। आपको इसके लिए आपको इसको डालने के लिए सबसे पहले आपको इसको ओपन करना है, जो कि मैं कर चुका हूँ। और इसको अपन गाड़ी के पेट्रोल टैंक में डालेंगे। उसके लिए आपके पास कम से कम 4-5 लीटर पेट्रोल होना चाहिए। और उसको यहाँ से ओपन करना है। यहाँ से ओपन होगा, ओपन हो चुका है। और इसके अंदर आता है 50 ml, 50 ml को मतलब 4-5 लीटर या जो भी पेट्रोल हो उसमें डालना है। यह जो थिनर टाइप का आता है उसमें काम करता है। तो इसको आप डाल के और आपको यूज़ करना है। ये आप एवरी 6 मंथ में कर सकते हो। तो जो कार्बन है अपने कार्बोरेटर में हो चाहे टैंक में हो, उसमें अपने को देखते क्या इफेक्ट आता है। वैसे तो कंपनी की रिकमेंड करती है इसको, ये यूज़फुल है। तो आप भी दोस्तों ये एक बार यूज़ कर सकते हो। यदि आपके काफ़ी, अभी लॉकडाउन था उस दौरान गाड़ियाँ लंबे टाइम के लिए खड़ी रही है, तो उसमें भी ये इफेक्ट करेगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप भी ये वाला यामा का एक बार अपने टैंक में यूज़ कर सकते हो पेट्रोल के माध्यम से। तो ये आपके फ्यूल सिस्टम को बढ़ाएगा, पावर स्टोर करेगा। इसमें जो इफेक्ट है इसका, रिस्टोर पावर, रिड्यूस एग्जॉस्ट इग्निशन, तो माइलेज को भी इंक्रीज करेगा। थैंक यू दोस्तों, सॉरी।